दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। जितने भी बच्चे जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किए थे सभी बच्चों को दोस्तों रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। तो रिजल्ट का नोटिस दोस्तों ऑफिशियल आ चुका है, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि रिजल्ट कब आने वाला है और कट ऑफ क्या बनने वाली है और दोस्तों टोटल कितने पोस्ट हैं और जो है किस तरह से, जैसे जोन वाइज जो है फॉर्म फिलअप हुआ था तो क्या रिजल्ट एक ही बार आ जाएगा या अलग अलग सर्कल में आने वाला है, तो सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूं। तो रिजल्ट डेट जो है इसका दोस्तों वो आपके नोटिस में आया है कि जो मार्च का सेकेंड वीक होगा उसमें जो है रिजल्ट आने वाला है। तो आपका रिजल्ट जो है वो 10 मार्च और जो है 10 मार्च से लेकर के 13 मार्च के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये 100% जो है श्योर है, ठीक है। तो आप सभी लोग इंतजार की घड़ी को खत्म करिए। और दोस्तों मैंने कट ऑफ लिखी है, ये बेस जो है 2022 के एग्जाम पे मैंने लिखी है। तो अगर आपका जो है 84 से 94% है जनरल वालों का तो आप समझ लीजिए सेफ है, क्योंकि कट ऑफ यही जाने वाली है, ठीक है। अभी ये कंफर्म नहीं कट ऑफ है लेकिन मे भी यही कट ऑफ जाएगी, वो रिजल्ट जब आ जाएगा फाइनल तभी जो है कंफर्म हो पाएगा। लेकिन आप जो है घबराने की जरूरत नहीं, इस कट ऑफ को देख लीजिए, यहीं से कट ऑफ बनने वाली। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ बनेगा वो 83 से 90%, ओबीसी वालों का जो है 79 से 88% के बीच में यदि तो हो सकता है इनका हो जाए, एसटी एससी का जो है 79 से 87% और पीडब्ल्यू डेट कैंडिडेट जो डिसेबिलिटी जिसके पास सर्टिफिकेट है उनका 68 से 77.6% होना चाहिए। तो ये कट ऑफ दोस्तों ये पहले ही साल का है, मतलब अभी कंफर्म कट ऑफ तब तक नहीं आएगी जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो रिजल्ट जो है बताना मेरा मकसद था कि 10 मार्च और 13 मार्च के बीच में रिजल्ट आने वाला है, कट ऑफ इसी के जो है नियर अबाउट बनेगी, ठीक है। बात करें दोस्तों पोस्ट की, तो सबको पता है पोस्ट जो है वो 40,889 पोस्ट है और सभी बच्चों का सिलेक्शन 40,889 पोस्ट के बेस पे होगा, लेकिन सर्कल वाइज होगा। आप देखिए रिजल्ट जो आ रहा है वो सर्कल वाइज आ रहा है, तो एक ही बार में नहीं आएगा। अगर 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है तो 2-1 दिन में सबका रिजल्ट आएगा, लेकिन वो सर्कल वाइज आएगा। जैसे टोटल 23 सर्कल में सेपरेट अलग अलग रिजल्ट आने वाले हैं, तो एक सर्कल अलग होगा वो दूसरे जोन का होगा, दूसरा सर्कल दूसरे जोन का होगा, यानी कि 23 सर्कल में आपका जो है आने वाला है रिजल्ट। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो एसएससी जीडी या फिर किसी भी नोटिफिकेशन या किसी भी एग्जाम की पल पल की खबर पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।